हेलो क्लास 8, वेलकम इन एक स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और पिछली जो वीडियो थी यानी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट मैंने जिस वीडियो में पढ़ाया था उस पे आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है तो उसके लिए थैंक्स यार। तो यहाँ पे देखो आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 है यानी कि चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसका आज हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी कुछ बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी देखेंगे और जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक या फिर न्यू सिलेबस है। आपको पता है आपकी किताब चेंज हुई है तो जो चेंज हुआ है ना यानी जो नई वाली किताब है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सिलेबस की टेंशन मत लेना, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस में है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं कि जो ये चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या मतलब होता है इक्वेशन का, क्या मतलब होता है लीनियर इक्वेशन का, क्या मतलब होता है वेरिएबल का, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं हम इनको, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी उसके बाद आप क्वेश्चन करना चालू करो तब आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये सारी चीज़ें पता है उसको सिर्फ एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज उसका सॉल्यूशन देखना है तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। फिलहाल जिसको बेसिक देखना है वो आ जाओ यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि भाई इक्वेशन क्या चीज़ है ये, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है इसका क्या मतलब होता है। देखो यार जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से होगी कि इसमें बराबर का निशान होगा और कुछ लेफ्ट में लिखा होगा कुछ राइट में लिखा होगा, ये दोनों चीज़ें बराबर है ये दर्शाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा या शो किया जाएगा इक्वल साइन से, ठीक है। और जो लेफ्ट में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है। जो राइट में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं RHS, यानी कि इक्वेशन में आपको कुछ लेफ्ट में देखने को मिलेगा कुछ राइट में देखने को मिलेगा और बीच में इक्वल का साइन है, इनको इक्वेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट में होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में होता है उसे बोलते हैं R फॉर राइट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, ठीक है। इक्वेशन कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि देखो इक्वेशन इक्वल से कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है ना, इसका साउंड इक्वल जैसा, तो यानी कि जिसमें दो पक्षों को, ठीक है, इक्वल दिखाया जाए उसे हम क्या बोल रहे हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन में कुछ ना कुछ लेफ्ट में लिखा होगा कुछ ना कुछ राइट में लिखा होगा, अच्छा ये समझ में तो आ गया। अब यहाँ पे ये लीनियर क्यों लिखा हुआ है, लीनियर का क्या मतलब है भाई साहब, लीनियर का मतलब है कि अपने को सिर्फ वही इक्वेशंस पढ़नी है जो लीनियर हो, यानी कि जिनका ग्राफ अगर हम बनाए तो एक लाइन आए, ऐसी इक्वेशंस जिनका ग्राफ अगर बनाया जाए और हमें मिले एक लाइन तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यानी कि आपको याद रखना है कि आपका जो ये चैप्टर है इसमें, ठीक है, अगर ये ग्राफ में बनाया जाए तो एक लाइन ही आएगी, ठीक है। हालांकि आपको ग्राफ नहीं बनाना है, बस मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जब ग्राफ नहीं बनाना तो क्या बिना ग्राफ बनाए हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये बता पाएँ कि लीनियर वो जो इक्वेशन है वो लीनियर है नहीं। हाँ, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी जिसे हम डिग्री बोलते हैं वो 1 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल्स मिलेंगे x, y, z, जो भी वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे उनकी पावर 1 रहेगी, x रेस टू द पावर 1, y रेस टू द पावर 1, z रेस टू द पावर 1। अब पावर 1 अलग से लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो चाहे आप x रेस टू द पावर 1 लिखो या फिर सिर्फ x लिख के छोड़ दो, एक ही बात होती है। तो मतलब बिना ग्राफ देखे अगर आपको बताना है, ठीक है, कि इक्वेशन लीनियर है कि नहीं, तो वहाँ पे उसकी डिग्री देखो 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब एक्स वाई जेड जो भी वहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर, ठीक है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब मैंने 3-4 बार एक टर्म यूज कर दी वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स का क्या मतलब है इसके नाम से पता लगता है। देखो इसको तोड़ो जरा, वेरिएबल, ठीक है, तो वेरी का मतलब क्या होता है, बदल जाना, वेरी मीन्स बदल जाना, ये वेरी कर सकता है, वैल्यू वेरी कर रही है, बहुत बार आपने देखा होगा इस चीज़ को सुना होगा। तो वेरी मीन्स बदलना, एबल यानी जो वेरी यानी बदलने के एबल है, बदलने के योग्य है, यानी जो चीज़ अपनी वैल्यू बदल सकती है अलग अलग जगह पे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आ गया, ठीक है। इस चैप्टर में हम एक्स वाई जेड इन सब से वेरिएबल को डिनोट कर रहे होंगे, लेकिन ये मत अपने दिमाग में गलतफहमी पाल लेना कि जहाँ भी इंग्लिश का अक्षर दिख गया उसको वेरिएबल ही समझ लो, ऐसा नहीं है। बड़ी क्लास में आप जाओगे वहाँ पे ए बी सी से कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे 8th में आपको कन्फ्यूज कहीं नहीं किया जाएगा, यहाँ पे तो आप यही मान के चलो एक्स वाई जेड जहाँ पे दिख रहा है वो वेरिएबल है। बट
बड़ी क्लास में जब आप जाओगे, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x और y तो वेरिएबल है लेकिन a b और c कांस्टेंट रहेंगे वहां पे। तो मतलब कांस्टेंट को भी इंग्लिश के अक्षर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा कांस्टेंट को तो अलग से बोला जाएगा कि यहाँ पे ये इंग्लिश के जो अक्षर हैं a b c वगैरह वो कांस्टेंट हैं, बोला जाएगा कि इनका मान बदल नहीं सकता, इनकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स रहेगी। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट की मेन पहचान ये नहीं है कि वो इंग्लिश के अक्षर हैं या नहीं, मेन पहचान ये है वेरिएबल्स की या कांस्टेंट की कि अगर वो वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू बदल सकती है, अगर वो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। जैसे 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 मैंने लिखा पाँच, अब यार पाँच की वैल्यू तो पाँच ही रहनी है ना, पाँच का मतलब तो पाँच ही होता है, हर जगह पाँच रहेगा, तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, तो ये वेरिएबल बन गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो ये हम चैप्टर कर रहे होंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, जो ये चैप्टर कर रहे होंगे हम उसमें समझ लो, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेन बात जो हमें पता होनी चाहिए कि अपने पास एल एच एस में कुछ होगा, अपने पास आर एच एस में कुछ होगा, कोई एक इक्वेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो मान लो अपने पास है 2x प्लस में 5 बराबर में है 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, जो 2 है वो वेरिएबल होगा, ठीक है, 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, 0 भी कांस्टेंट है। ठीक है, 2 क्या है वेरिएबल, 2 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना, 2 यहाँ पे किसकी तरह यूज किया जा रहा है, वेरिएबल्स की तरह, वेरिएबल की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बदलूंगा तो x की वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ 0 की जगह मैं 10 लिख दूँ x कुछ और आएगा, 0 की जगह मैं 20 लिखूँ x कुछ और आएगा, लेकिन 5 तो 5 रहेगा भाई, 2 तो 2 रहेगा। लेकिन अगर मैं कुछ भी बदल देता हूँ, यहाँ 20 लिखता हूँ x की वैल्यू कुछ और आ गई होगी, अगर मैं 30 लिखता हूँ x की वैल्यू कुछ और आ गई होगी, तो x क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, बदल रहा है, तो ये वेरिएबल है। 5 क्या बदला, नहीं 5 तो 5 रहेगा भाई, 2 बदला, नहीं तो 2 2 रहेगा, ये चीज़ है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट अगर आपको समझ में आ गया तो वो चीज़ सीखो जो आपको क्वेश्चन में काम आएगी, कि अगर कोई चीज़ प्लस में है उसको हमें राइट में शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है क्या मतलब है बाद में बताऊंगा, तो ये वाली चीज़ माइनस में जाती है उस तरफ, अगर कोई चीज़ माइनस में है तो उस तरफ ये प्लस में जाएगी, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ डिवाइड में जाएगी, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगी। समझ में आ गया, शिफ्ट कैसे करेंगे, क्यों करते हैं शिफ्ट, क्या मतलब होता है वो मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल ये समझ लो। ठीक है, अच्छा अगर आपने ये समझ लिया तो अब एक चीज़ और समझो कि ये जो हम एक्स वाई जेड पढ़ते हैं वेरिएबल जिसको मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से आया होगा निकल के, कहाँ से आया किसी के दिमाग में एक्स चीज़ है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, पिछली वीडियोज़ में भी है मेरे, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा मैं आपको कि भाई एक्स वाई जेड कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, इसको हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता कि तब हम एक्स की ही बात कर रहे हैं। जैसे ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, अगर आप मुझे 10 रुपए और दे दो तो मेरे पास 15 रुपए हो जाएंगे। फिर से क्वेश्चन सुनो, मैंने बोला मेरे पास कुछ रुपए हैं, अगर आप मुझे 10 रुपए और दे दो तो मेरे पास 15 हो जाएंगे, तो बताओ जो मेरे पास कुछ रुपए थे वो कितने थे, जाहिर सी बात है 5, अगर मेरे पास 5 रहे होंगे तभी तो 10 और मिलने पे 15 होंगे। तो इसी को अगर मैं थोड़ा मैथ्स में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा मेरे पास कुछ रुपए थे, मुझे कोई 10 रुपए और दे दे, यानी जो मेरे पास थे उसमें 10 और जुड़ जाएं, तो मेरे पास 15 रुपए के बराबर हो जाएगा, यही तो होगा। तो अब जो कुछ का मान है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं कुछ की जगह 5 रख दूँ तो 5 जमा 10 देख लो हो गया 15, और यही चीज़ मैंने जो शिफ्टिंग वाला तरीका बताया उसमें अगर मैं कुछ की वैल्यू निकालूँ इस, तो मैंने कहा जो चीज़ प्लस में है वो माइनस में जाएगी, यही तो बताया मैंने आपको, तो यहाँ पे जो 15 है रहने दो, प्लस वाली चीज़ माइनस में ले जाओ, 15 में से 10 गया 5, मतलब बिना दिमाग लगाए भी ऐसे निकाल सकते हैं। खैर दिमाग तो लगाना ही पड़ा, बट ये नहीं सोचा मैंने कि क्या जोड़ूँ, मैंने क्या किया, जो था उसको माइनस में ले गया, अपने आप 5 आ गया। अब जब हम स्कूल वगैरह में रहते हैं तो यार ऐसे कुछ कुछ लिखना अच्छा नहीं लगता बार बार, तो इसी कुछ की जगह मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि चलो x, मेरे पास जो कुछ रुपए थे उसी को मैंने x बोल दिया, तो ये x और कुछ नहीं होता बल्कि जो कुछ है जो हमें नहीं पता वो है। समझ में आ गया x क्या चीज़ है, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा शिफ्ट क्यों करते हैं, शिफ्ट इसलिए करते हैं याद रखना,
कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो अकेला बचना चाहिए। तो मतलब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो भी सबको ठिकाने लगाना है, तो एक तरीका तो ये इसको आप माइनस में ले जाओ। माइनस में इसलिए ले आते हैं कि असलियत में हम ये करते हैं, हमने इधर भी 10 माइनस कर दिया, इधर भी 10 माइनस कर दिया, तो 10 माइनस 10 इधर कट गया, x बचा, 15 माइनस 10 कितना 5 बचा। लेकिन बार बार इतना लंबा हम करेंगे नहीं, तो सीधा सीधा हम शिफ्ट करते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग यहीं से आती है। समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ सवाल हैं, ठीक है, बोला गया इनको सॉल्व करो और चेक करो अपना रिजल्ट। 10 सवाल हैं, एक एक करके करते हैं। पहला क्या है, 3x बराबर 2x जमा 18। इसको मैं एक बार उतार लूँ, ठीक है, अपने पास है 3x बराबर 2x जमा 18, ठीक है, 18। मैंने क्या बोला, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए जहाँ जहाँ x है सब एक तरफ लाओ, बाकी सब कुछ एक तरफ करो। तो x तो यहाँ पे है, x इधर भी है, तो इसको लेफ्ट में लाओगे। याद रखना, जिस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हो उसके लेफ्ट वाला निशान देखते हो कि यहाँ पे निशान क्या है। कोई निशान नहीं दिखता मतलब प्लस है, तो प्लस वाली चीज़ इधर आएगी माइनस में। उस तरफ बचा 18, 3x में से 2x गए, 1x बचा, 1x की वैल्यू आ गई 18, x का मान निकाल लिया, सवाल हो गया। लेकिन हमें जांच भी करनी है, हमें जांच भी करनी है, तो जांच कैसे करते हैं भाई, जांच कैसे करते हैं? सबसे पहले आप देखोगे LHS में क्या है, ठीक है, और फिर देखोगे RHS में क्या है। LHS RHS किसे बोल रहे हैं? मैंने कहा बराबर के जो इस तरफ दिया गया है अपने सवाल में, ये है LHS, तो LHS कितना है 3x। तो यहाँ पे क्या लिया, या तो पूरा ही उतार लो एक बार में, इसी को उतार लो। एक और तरीका है, शॉर्टकट देखो, 3x = 2x जमा 18 है, पूरा उतार लो। यहाँ पे x का जो मान आया है रख दो, x की जगह क्या आया है, x का मान आया 18, x की 18 रख दो, 3, ठीक है। और एक बात और याद रखना, 3 और x चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में गुणा है, तो 3 × 18 बराबर 2 गुणा में 18 जमा में कितना है 18, ठीक है। तो 18 × 3 करोगे लेफ्ट में आ जाएगा 54। पहले गुणा होगी, याद रखना, पहले जोड़ मत देना उनको, पहले गुणा करते हैं। तो 18 × 36 जमा में क्या बचा हुआ है 18, तो 36 और 18 कितना 54, यहाँ भी कितना 54। तो क्या LHS बराबर आया RHS के? बिल्कुल, हो गई जांच। अगर ये बराबर नहीं आता तो हमने कुछ गलत किया था, अब क्योंकि LHS RHS बराबर आ रहे तो हमने सही किया है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये था इसका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल को फिर से मैं उतार रहा हूँ, 5t - 3 बराबर 3t - 5। जरा ध्यान से देखना, t वाली टर्म एक तरफ लाओ, 5t, ये वाला t इधर माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में निशान देखना होता है, लेफ्ट में कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस है, तो प्लस वाली चीज़ आई माइनस में। उस तरफ माइनस का 5 बचा हुआ है, ठीक है, जो नंबर है अपने निशान के साथ रहेगा, निशान लेफ्ट वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है लेफ्ट में निशान देखो क्या है, माइनस थ्री को उधर ले आएंगे, माइनस वाला कैसे जाता है प्लस में, प्लस वाला कैसे आता है माइनस में। 5t - 3t कितने t बचेंगे, 2t बराबर -5 + 3। अब यहाँ पर देखो, जब निशान अलग अलग हो तो घटाया जाता है, निशान इसका माइनस का है, इसका प्लस का है, लेफ्ट वाला निशान देखना, याद रखना। जैसे ये जो प्लस है ये 5 का निशान नहीं है, ये किसके लिए है समझ लो, 3 के लिए। अगर हम देखें कौन प्लस का है कौन माइनस का, तो 5 माइनस का, 3 प्लस का, अलग अलग निशान है घटाएंगे, एक जैसा निशान होता जोड़ देते। तो 5 में से 3 गया 2, निशान कौन सा लगेगा, जिसमें से घटाया उसके आगे क्या निशान है, 5 में से 3 घटाया ना, तभी तो 2 आया, तो 5 का क्या है माइनस। इतना समझ में आ गया। अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है, t के साथ 2 चिपका के लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, चिपका के, देखो 2 और 3 चिपका के लिखेंगे मतलब इनके बीच में गुणा हो रही है, तो गुणा वाली चीज कैसे जाती है भाग में, यानी माइनस 2 वहीं पर रहेगा, ये वाला 2 भाग में गया, तो t की वैल्यू आ गई 2 से 2 कट गया 1, यानी -1, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया था चेक भी करो, ठीक है। तो हाँ, मैंने हिंदी में जांच लिख दिया, आप वेरिफिकेशन भी लिख सकते हो यार, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, ठीक है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, जो भी सवाल था
उतार लो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, ये उतार लिया। t की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, t की वैल्यू क्या आई है माइनस 1, तो 5 इंटू लिखो या ब्रैकेट में ऐसे बना के लिख दो, एक ही बात है। तो 5 इंटू t की वैल्यू माइनस 1 आ गई, यहाँ पे है माइनस 3, राइट में क्या देखेगा t माइनस 1, ठीक है 3, t की जगह माइनस 1 और माइनस में है 5, तो 5 इंटू 1 5 प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस 3, यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 माइनस 5, तो देखो माइनस 5 माइनस 3 निशान एक जैसा है तो जोड़ोगे 5 और 3 8, निशान वही रहेगा, एक जैसा निशान है दोनों का माइनस है, 5 और 3 8, निशान वही रहेगा। LHS बराबर है RHS के, हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी जांच हो गई इसकी, चेक कर लिया हमने। ऐसे ही अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या है देखो, आसान सा है, यहाँ पे है 5x प्लस 9 और यहाँ पे है 5 प्लस में 3x, तो यहाँ से 5x अपनी जगह x वाला देखो और कहाँ, ये रहा लेफ्ट में क्या है प्लस, इधर कैसे आएगा माइनस में, उस तरफ क्या है 5, प्लस 9 कहाँ जाएगा, प्लस वाली चीज़ माइनस में जाती है, 5x माइनस 3x 2x होते हैं। देखो निशान अलग अलग है, 9 के लेफ्ट में माइनस है लेकिन 5 के लेफ्ट में क्या है प्लस, कोई निशान नहीं दिया तो प्लस समझोगे, तो निशान अलग अलग होता है तो घटाते हैं, 9 में से 5 घटाओ 4, किस में से घटाया 9 में से, तो 9 के आगे जो निशान है यानी कि माइनस वो यहाँ लगेगा, तो 2x इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 4, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, दो चीज़ें चिपका के लिखी मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई चाहिए डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस 2, नीचे 1 मत लिखो तब भी चलेगा। चलो ये आ गया, इसका वेरिफिकेशन आप खुद कर लेना यार, कर सकते हो। आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, ये भी आप खुद कर लेना, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, माइनस एक्स इधर प्लस एक्स में आ जाएगा, 2x और प्लस 1x और माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आराम से कर सकते हो आप, याद रहे माइनस एक्स प्लस में आएगा, माइनस 1 उधर प्लस में जाएगा, ठीक। अगला वाला मैं कर देता हूँ, इसमें ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, देखो बराबर 3, फिर ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस 1 प्लस में है 7, तो हम क्या करेंगे पहले उधर ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस में 4 रहने दो इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ है तो पहले 3x को मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 1 3, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट से 3 चिपका के लिखा है ऐसे, तो चिपका के लिखने का मतलब होता है 3 और जो ब्रैकेट के अंदर है उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, फिर यहाँ पे 7 तो अलग है ना ब्रैकेट के, तो ये अलग रहेगा, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, यहाँ से पहले इसको इन दोनों को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 8x प्लस 4 ऐसे रहने दिया, यहाँ पे 3x ऐसे रहने दिया, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 बचेगा, 7 में से 3 माइनस गया 4, 7 के अगर निशान लगाओगे, अब x को एक तरफ, 3x इधर आएगा, वहाँ पे बचा हुआ है 4, प्लस 4 उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 8 में से 3 गया 5x बराबर 4 में से 4 गया 0, तो x की वैल्यू 0 बटे में 5, 5 जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो मैं पहले सवाल उतार लूँगा, ठीक है, सवाल जो भी है इसको उतार लेता हूँ, चलो ठीक है, क्वेश्चन वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, अपने पास सवाल क्या है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, देखो यार x की वैल्यू 0 आई है, तो 8 इंटू में 0 प्लस 4, यहाँ पे 3x की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7, मतलब जहाँ जहाँ x था उसकी जगह 0 रख दिया है बस, और कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम उतारा है, 8 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 4 करोगे 4 ही आएगा, ठीक है, यहाँ हो गया 3, 0 माइनस 1 माइनस 1 ही होता है, प्लस में 7, तो 3 इंटू में 1 यानी माइनस 3 प्लस में 7, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, इधर भी 4 आया, 7 माइनस 3 यानी इधर भी 4 आया, तो LHS जो है
RHS के बराबर आ गया। ठीक है, अगला क्या है, देखो अगले में हम क्या करेंगे, अपने पास है x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 एक्स प्लस 10। तो देखो जो ये ब्रैकेट है और जो 4 बाई 5 है इसके बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, याद रखना। तो जो नीचे वाली चीज़ है ना, पहले इसको इधर ले आओ, यानी 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, जो ऊपर है वो अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 इंटू एक्स हो गया 4x, 4 इंटू में 10 हो गया 40, और याद रहे 5 इधर आ चुका है, 5 क्योंकि नीचे था डिवाइड में तो इधर ऊपर आ गया, तो यहाँ से 5x, 4x इधर आएगा माइनस में, 4x इधर देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस वाली चीज़ माइनस में आती है, लेफ्ट में निशान देखना है, उस प्लस को नहीं देखना, इधर देखना था, इधर बचा हुआ है 40, तो 5x में से 4x गया, कितने x बचा, 1x बराबर कितना 40। ठीक है, इसकी जांच आप खुद कर लेना, आराम से हो जाएगी। यहाँ पे 40 रख दोगे, 40 प्लस 10 50, 50 को 5 से काट देना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, इधर x की सीधा वैल्यू देना, दोनों सेम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पे है 2x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाई 15 प्लस 3। एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे 2x बाई 3 है, ये चीज़ देखो प्लस में है तो इधर ले आओ माइनस में, उस तरफ 3 बच गया और ये वाला प्लस 1 उधर गया। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया हूँ, प्लस में था माइनस में आया, और जो 1 था उसको उधर ले गया। यहाँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा भाई सीधा सीधा, 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। आपको सीधा सा ट्रिक याद रखना है, ऐसे दो नंबर का एलसीएम लेना हो जब जिसमें छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आता हो, जैसे 3 के टेबल में 15 आता है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है। फिर पता है ना इसको फ्रैक्शन की ऐड या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 3 का टेबल पढ़ो कितनी बार जा रहा है, 3 5 जा 15, 5 बार पढ़ा गया, 5 को ऊपर से गुणा कर दो, यानी 5 2 10x, फिर 15 1 जा 15, एक बार गया तो 1 को 7x से मल्टीप्लाई करो, बराबर 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 10 माइनस 7 कितना बचेगा 3x डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा 15 इज इक्वल टू कितना 2। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 अपनी जगह है, नीचे वाला 15 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एक्स की वैल्यू कितनी 5 × 2 यानी कि 10, ये हो गया। ठीक है, इसमें भी जांच कर लेना, आप 10 रख देना, ठीक है, फिर सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखो बिल्कुल आसान है, वाई को इधर लाना है, इसको उधर लेके जाना है, ठीक है, हल्का समय लिख देता हूँ। अगले स्टेप में क्या, 2y ये रहा, माइनस वाई इधर आएगा प्लस में, यहाँ पे है 26 डिवाइड बाई 3, ये प्लस का 5/3 उधर जाएगा माइनस में, इसके आगे आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखो ये भी इजी है, 3m, ठीक है, सीधा कर दे रहा हूँ, ये जो 5 है मैं इधर आएगा माइनस में, उस तरफ माइनस का 8/5 बच गया, देखो यहाँ पे कोई निशान नहीं था, मतलब प्लस था, प्लस वाली चीज़ आई माइनस में इस तरफ, और ये तो इस तरफ माइनस के साथ पहले से है, तो 3 - 5 नहीं होगा, तो 5 - 3 2, 5 में से घटाया है 5m - 3m, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि निशान अलग अलग थे। इसके बाद देखो ये 3m प्लस का है और 5m माइनस का है, अलग अलग निशान घटाओगे, 5m - 3m 2m बचा, 5m में से घटाया तो उसके एक निशान जो है लगा दो, यहाँ पे -8/5, ठीक है, देखो इस माइनस से या अला माइनस काट सकते हो, एक ही एक टर्म हो तो माइनस से माइनस कट जाता है, लेकिन याद रहे अगर दो टर्म होती जैसे यहाँ पे कुछ और होता तब माइनस से माइनस मत काटना, एक टर्म यहाँ है तो माइनस माइनस कट जाएगा। एम की वैल्यू कितना, 8/5 इधर बचा हुआ है, जो यहाँ पे 2 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे नीचे, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 / 5 2 जा 10, ठीक है, चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 यानी कि 4/5, इसको भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।